दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हो गया है 15 नवंबर 2019 दिन शुक्रवार का। बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा है, बड़ा नियम और बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद से लेकर के लाई गई खबरें जो केवल केवल आपके काम की है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपका आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अच्छा बात कर लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल का। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखना है। तो दोस्तों आप सीधे आ जाते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास तेज, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और शिवसेना की संभावित महाशिव अघाड़ी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम मसौदा तैयार हो गया है और इस मसौदे पर तीनों दलों के प्रमुखों की मंजूरी के बाद सरकार बनाने की अगली शर्तों पर विचार किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से ही सरकार कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की साझा सरकार बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार बनना ही जरूरी नहीं है बल्कि सरकार का टिकाऊ होना भी जरूरी है। आपको बता दें इसके लिए सरकार में शामिल सभी दलों के बीच हर एक मुद्दे पर स्पष्टता होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से बुधवार से ही तीनों दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। और दोस्तों वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमित शाह बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की साख पर लगाई मोहर, कांग्रेस मांगे माफी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई चुनाव में राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इससे कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने आज मोदी सरकार की साख पर मोहर लगा दी है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन नेताओं और पार्टियों को उचित जवाब है जो केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोहपूर्ण व बेबुनियाद अभियान चलाते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने एक बार फिर मोदी सरकार की साख पर मोहर लगा दी है और मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी है। दोस्तों वही अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले को फ्लैट मिलने से पहले ही फंस गया पेंच, जानिए कहां है विवाद। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चल ही रही थी और अब झुग्गियों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और केंद्र सरकार की ओर से DDA ने दिल्ली सरकार के तहत इस योजना पर काम कर रहे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIS को झुग्गियों का सर्वे करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि DDA ने भेजे गए पत्र कहा है कि DUSIS केंद्र सरकार के तहत आने वाले झुग्गियों का सर्वे ना करें। आपको बता दें इसे लेकर दिल्ली सरकार नाराज है और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सदस्य विपिन राय ने कहा है कि फरवरी में उपराज्यपाल के यहां बैठक कराकर DDA ने यही काम DUSIS को करने के निर्देश दिलाए थे, जिसके बाद सर्वे शुरू किया गया था और इसके लिए टेंडर आदि प्रक्रिया पूरी कर सर्वे का काम शुरू किया गया था। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के सीएम के मुंह से, आपको बता दूं कि सीएम योगी ने कहा है कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रहित दरकिनार करने वालों को करारा जवाब। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रहित को दरकिनार कर राजनीति करने वालों को करारा जवाब बताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा है कि राफेल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्रहित को दरकिनार कर देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब है। आपको बता दें ये भी कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नए भारत, शक्तिशाली भारत की भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी नीतियों की पुष्टि करता है। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बैंकॉक में पीएम मोदी ने क्यों नहीं किया RCEP समझौता, एस जयशंकर ने बताई ये वजह। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आरोप RCEP समझौते से जुड़ने से पहले हमारी निगाहें सभी कैलकुलेशन पर थी। आपको बता दें इससे हमें क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। जी हां दोस्तों हमने इसके लिए आखिरी समय तक बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया गया और विश्व मंच में भारत की स्थिति को
लेकर उन्होंने कहा कि देश की स्थिति लगभग तय नजर आ रही थी, लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध से उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। और जयशंकर ने यह भी कहा कि 1972 के शिमला समझौते का परिणाम यह हुआ कि प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में दिक्कतें उत्पन्न करना जारी रखा। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दी कि कांग्रेस की शिवसेना के साथ हिंदुत्व पर रस्सा कशी जारी, सोनिया शरद की बैठक में साफ होगी तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के साथ सत्ता की गाड़ी में सवार होने से पहले कांग्रेस उसके कट्टर हिंदुत्व से किनारे करने का ठोस भरोसा चाहती है। और आपको बता दें विचारधारा पर शिवसेना से इस दूरी को पाटने के लिए ही कांग्रेस एनसीपी साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसकी प्रतिबद्धता के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव डाल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस एनसीपी की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बनी सैद्धांतिक सहमति के बाद भी हिंदुत्व और सत्ता के बंटवारे के स्वरूप पर अभी रस्साकशी जारी है। और कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि सोनिया गांधी और शरद पवार की अगले हफ्ते होने वाली प्रस्तावित बैठक के बाद ही कांग्रेस में सरकार बनाने की अंतिम तस्वीर साफ होगी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार गठन की राजनीतिक चर्चाओं में शामिल कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि सोनिया और पवार की सोमवार को इस मुद्दे पर मुलाकात की संभावना है। और सत्ता के स्वरूप को लेकर कांग्रेस एनसीपी के समन्वय समिति की शिवसेना नेतृत्व से चल रही बातचीत अब तक पूरी हो जाएगी और इस लिहाज से सोनिया और पवार की यह बैठक अहम होगी क्योंकि सरकार गठन के अंतिम पेच इन दोनों नेताओं की चर्चा के बाद ही खुलेगी। और आपको बता दें मुख्यमंत्री पद सरकार में हिस्सेदारी के स्वरूप सभी मसलों पर कांग्रेस एनसीपी का एक मत रुख दोनों तय करेंगे। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुरक्षा बलों के बीच रक्षा मंत्री बोले सीमा से सटे लोग आम नागरिक नहीं, हमारे लिए हैं स्ट्रेटेजिक एसेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश में हैं और चीन सीमा से सटे क्षेत्रों का रक्षा मंत्री ने गुरुवार को जायजा लिया। तवांग में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग हमारे आम नागरिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। मुझे अभी भी याद है जब AN-32 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ था तो स्थानीय लोगों की मदद से हम क्रैश साइट पर पहुंच पाए थे। और आपको बता दें उन्होंने कहा कि चीन सीमा के पास सुरक्षा का जायजा लेने के साथ ही साथ राजनाथ ने तवांग युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण भी किया। आपको इसके आगे बता दें कि इसके साथ ही राजनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं मैत्री दिवस नागरिक सेना मित्रता का उत्सव है जो भारत के सामूहिक हितों को मजबूत करने में मदद करता है। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर जताई चिंता, कहा चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डेंगू से लगातार बढ़ती मौतों पर चिंता जताई है। और गुरुवार को जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाएं ना मिलने के कारण मौतें अधिक हो रही हैं। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में इलाज नहीं, मरीजों को तकलीफ और संक्रमण बांटा जा रहा है, ना तो मरीजों की जांच की सुचारू व्यवस्था है और ना दवाएं मिल पा रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी प्रतिदिन किसी न किसी की डेंगू से मौत की खबरें आ रही हैं और कई अधिकारी और नेता भी डेंगू के शिकार हो चुके हैं और यहां डेंगू मरीजों की संख्या 1100 तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कई अस्पतालों में जांच किट भी नहीं है और बहुत मरीजों को बिना इलाज वापस किया जा रहा है। आपको और आगे बता दूं कि अखिलेश यादव ने कहा कि शासन के दबाव में मरीजों की संख्या और मौतों की जानकारी नहीं दी जाती है, शासन और प्रशासन का रवैया निहायत निंदा योग्य है, सरकार मौतों के दोष से बच नहीं सकती है। अखिलेश ने कहा कि राज्यपाल द्वारा गत दिनों टिप्पणी की गई है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कमीशनबाजी चल रही है और इसके बाद भी भाजपा सरकार चेती नहीं बल्कि पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो चुकी है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अयोध्या से आ रही है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मदनी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, हम अब भी यही मानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ही थी, अब हम भी उसे मस्जिद ही मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके विचार में परिवर्तन नहीं आया है बल्कि निराशा मिली है क्योंकि फैसला विरोधाभास से भरा है और एक तरफ कोर्ट फैसले में खुद कहता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी तो भी फैसला उनके हक में दिया जाता है, उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। आपको बता दें मदनी गुरुवार को यहां आईटीओ स्थित जमीयत के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बकौल मदनी उनका मत है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन की पेशकश को मंजूर करना चाहिए क्योंकि मुद्दा जमीन का नहीं मालिकाना हक का था, अगर मस्जिद की वह जमीन नहीं है तो फिर अलग से जमीन देने का आदेश क्यों दिया गया। आपको बता दें अगर शीर्ष अदालत कहती है कि बाबर ने मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर तोड़कर
वहां मस्जिद बनाई थी तो हम उस फैसले को मान लेते, तब हम इस्लाम के लिहाज से इसके हक में नहीं होते कि वहां दोबारा मस्जिद बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि फैसला कई सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दी कि अयोध्या पर आज फैसले को विभिन्न पक्षों ने विनम्रता और मर्यादा के साथ किया स्वीकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दी कि अयोध्या पर आए निर्णय को न्यायिक नीति शास्त्र के उच्च प्रतिमान की उपमा दी जा सकती है, मगर वास्तव में ये उससे भी कहीं बढ़कर है। आपको बता दी कि दिसंबर 1992 की घटना के बाद राम जन्मभूमि विवाद में देश की एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई और इस दौरान विमर्श की दुनिया में वामपंथियों का दबदबा रहा और उन्होंने आस्था पर सवाल उठाया और समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर अपना हित साधते रहे। आपको बता दें, लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही है कि इस मुश्किल मुद्दे पर समाधान की दिशा में बढ़ने पर कोई हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है, किंतु अयोध्या पर आए फैसले को विभिन्न पक्षों ने जिस विनम्रता एवं मर्यादा के साथ स्वीकार किया, वे हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में अगाध आस्था एवं उनकी सफलता को ही दर्शाता है। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर खेल की दुनिया से आ रही है। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत खारिज, मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्गज भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें क्योंकि BCCI के आचरण अधिकारी DK जैन ने उनके खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत खारिज कर दी थी और जैन ने कहा था कि इसमें कोई दम नहीं है। आपको बता दें, जैन ने आदेश जारी करने के बाद कहा है कि मैं शिकायत खारिज कर दी है और द्रविड़ के साथ हितों के टकराव का कोई मुद्दा नहीं है। आदेश की प्रति में लिखा है कि तथ्यों के आधार पर मुझे भरोसा हो गया है कि नियमों के अनुसार हितों के टकराव का मामला नहीं बनता है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि जानिए देश के लिए क्यों अहम है राफेल पर आया फैसला और उसमें लगी मिलिट्योर मिसाइल की क्या है खासियत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल सौदे पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए कई मायने में अहम साबित होने जा रहा है और इसी के साथ भारत में राफेल लड़ाकू विमान के आने का रास्ता भी साफ हो गया है। मई 2020 में पहला राफेल विमान भारत आएगा और ये लड़ाकू विमान न केवल भारत वायुसेना को सशक्त बनाएगा बल्कि उसकी सुरक्षा को और मजबूती भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों वहीं हरियाणा से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि विज बने पावरफुल, मंत्रियों को मिले विभाग, वित्त CM के पास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट एक्सटेंशन भाजपा जजबा सरकार में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और आपको बता दें कैबिनेट के विस्तार के बाद अनिल विज बेहद पावरफुल मंत्री के रूप में उभरे हैं और देर शाम सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और इसमें विज को गृह शहरी स्थानीय निकाय का स्वास्थ्य सहित 7 विभाग दिए गए हैं। आपको आगे बता दें कि गृह विभाग पिछली सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पास ही रखा था और कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा, पर्यटन व संसदीय कार्य सहित 5 विभाग दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पास वित्त सहित 7 विभाग रखे हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 10 विभागों का कार्यभार है। और दोस्तों भाई अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गोल्ड रेट, जी हां, सोने और चांदी दोनों के भाव में आया उछाल, जानिए कितनी बढ़ गई कीमतें। तो दोस्तों आपको बता दें कि सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में मात्र 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बढ़त से अब 10 ग्राम सोने की कीमत 38,995 रुपए पर आ गई है। और आपको आगे बता दें कि HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में तेजी के कारण सोने का उछाल सीमित रहा है और गौरतलब है बुधवार को सोना 38,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। और आगे आपको बता दें, HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटी तपन पटेल ने बताया कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम में भी 15 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और उन्होंने बताया कि रुपए में तेजी के कारण सोने की कीमत में उछाल सीमित रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।